हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पार्लर का जो एप्रन होता है, जैसे छोटे बच्चे के या बड़ों के जो बाल कट करते हैं, तो वो एप्रन जो होता है तो वो कैसे कट करते हैं। जैसे किचन एप्रन जो होता है वो अलग होता है, और ये जो पार्लर का एप्रन होता है वो अलग एप्रन है, तो उसकी कटिंग कैसे करनी है ये देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये कपड़ा लिया है, कपड़े को हमें इस तरह से इसको, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, जैसे कपड़े को इस तरह से डबल किया है, ये हमारी एक साइड है और ये हमारी दूसरी साइड है। जैसे इसको हमने इस तरह से कपड़े को डबल किया है, डबल करने के बाद यहाँ पे हमने पूरी लंबाई लेनी है, यहाँ तक हमें पूरी लंबाई लेनी है। यहाँ तक हमने ये पूरी लंबाई ली है इस तरह से, तो हमारी लंबाई आती है 54 इंचेस, यानी कि जितनी भी आपको लंबाई चाहिए उतनी आप लंबाई ले सकते हैं। जितनी भी आपको लंबाई चाहिए उतनी आप सीधी इस तरह से लंबाई ले सकते हैं। जैसे कपड़े को हमने डबल किया है, बंद बाजू जो है वो अपने साइड में रखी है, और यहाँ पे हमने क्या किया है, पूरी लंबाई ली है। तो लंबाई में आपको जितना भी, जैसे लंबाई जितनी भी चाहिए आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी कि ये बहुत ही लंबा है। जैसे 54 इंचेस हमने लिया है तो ये ठीक है, लेकिन आपको कम चाहिए, जैसे 40, 45, जितना भी आपको कपड़े के हिसाब से आप बना सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो कपड़ा था उसको मैंने पूरा ले लिया है, तो यहाँ पे मैंने 54 इंचेस इसकी लंबाई ली है। बंद बाजू जो है वो अपने साइड में रखी है। तो अब इसकी कटिंग देखते हैं, तो इसकी कटिंग मेजरमेंट कैसे लेते हैं ये देखते हैं। यहाँ पे हमारे एप्रन की चौड़ाई है और यहाँ पे हमारी लंबाई है, तो ये ली हमने 54 इंचेस, और चौड़ाई ली हमने, जैसे यहाँ पर हमें चौड़ाई लेनी है, चौड़ाई है हमारी 23 इंचेस, यानी कि 23 इंच हमारी चौड़ाई है। तो हमने कपड़े को डबल किया है, कपड़े को डबल करने के बाद यहाँ से हमें 8 इंच पे एक मार्किंग करनी है, 8 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। ये जो है ये बंद बाजू हमारी साइड में हमने रखी है, खुली जो साइड है ये दूसरे साइड में ली है। अभी यहाँ पे हमने 8 इंच पे एक मार्किंग किया है, 8 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे फिर हम 7 इंच पे एक मार्किंग करेंगे, इस तरह से 7 इंच पे एक मार्किंग करनी है। ऊपर के साइड में हमने 8 इंच पे मार्किंग किया है, और उसके बाद 8 इंच के बाद हमने 7 इंच पे एक मार्किंग किया है। अब यहाँ पे हमें 4 इंच पे एक मार्किंग करनी है, 3.5 इंच पे करेंगे तो भी चलता है, जैसे 3.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेते हैं। 3.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हम इसको राउंड शेप देंगे, यहाँ पे हमने इसको राउंड शेप दिया है। ये सिल्क का कपड़ा है इसलिए वो थोड़ा सा इस तरह से, जैसे ये हमने चौड़ाई ली, ये हमने लंबाई ली, लंबाई 54 इंचेस है और चौड़ाई हमारी 23 इंच है। तो कपड़े को हमने डबल किया है, और ऊपर के साइड में हमने यहाँ तक 8 इंच लिया है, और यहाँ से यहाँ तक हमने 7 इंच लिया है, यहाँ से यहाँ तक हमने 3.5 इंच लिया है। तो यहाँ पे हमने ये राउंड शेप दिया है। तो अब कटिंग कैसे करनी है, जैसे यहाँ से यहाँ तक हमने 8 इंच लिया था, तो इसको बीच में कट करेंगे और ये जो राउंड शेप है इसको कट कर लेते, बाकी जैसा है वैसा ही हम रखेंगे, बाकी की कटिंग कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ बीच में हम इसको कट कर लेते हैं, और जैसे सेंटर से यहाँ पे कट करेंगे, और यहाँ पे राउंड शेप जो है वो राउंड शेप कट कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से हमने ये जो था यहाँ पे हमने ये बीच में इसको कट किया है, और ये जो राउंड शेप हमने दिया था राउंड शेप को कट किया है, और ये जो है ये हमारी बंद बाजू जैसी है वैसी है जैसे पहले हमने इसको, तो हमारी ये कटिंग इस तरह से आएगी। ये जो है यहाँ पे हमारा राउंड शेप, ये राउंड शेप आएगा बीच में, और इसको इस तरह से,
यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से एक डोरी पाइपिंग बनानी है। पाइपिंग बना के इसके आगे हमें दो डोरियाँ बनानी है, बांधने के लिए दो डोरी बनानी है। तो यहाँ पे मैंने ये इस तरह से आपको पार्लर की पार्लर का जो एप्रन होता है, जैसे बाल कट करते वक्त जो एप्रन लेते हैं, तो वो उसकी कटिंग मैंने आपको दिखाई है। अब इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है। जैसे यहाँ से हमें ये पाइपिंग करके दो डोरी के ऊपर के साइड में दो डोरियाँ लगानी है। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। जैसे इसको हम इस तरह से सेंटर में इस तरह से रखते हैं, इस तरह से हमने ये पार्लर एप्रन की कटिंग आपको करके दिखाई है। तो इसकी स्टिचिंग जो है मैं आपको अगले वीडियो में दिखाती हूँ। ये एकदम सिंपल पार्लर का एप्रन होता है। जैसे ऊपर के साइड में हमने कट किया है बीच में से, और बाजू जो बाकी का राउंड शेप दिया है, राउंड शेप के नीचे जो भी है वो हमारी बंद बाजू है। तो अब इसकी स्टिचिंग जो है मैं आपको अगले वीडियो में दिखाती हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।